जय भगवान धन्वंतरी। मेरे से सैकड़ों हजारों लोगों की क्वेरी होती है कि ओम सर, क्या आरसीटी के बगैर या रूट कनाल के बगैर हम ठीक हो सकते हैं? अक्सर पूछे बन जाने वाला क्वेश्चन, एक नहीं सैकड़ों हजारों लोगों की ये क्वेरी होती है। ओम सर, जब हम डेंटिस्ट के पास दांतों के दर्द की प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, तो जब हम कहते हैं हमें ठंडा गर्म लगता है, डेंटिस्ट हमेशा यही कहता है रूट कनाल या दांतों को निकालना। क्या रूट कनाल के बगैर हम दांतों को ठीक कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेट, निश्चित तौर पर। इसके लिए आपको पेशेंस बरतनी। सबसे पहले टूथ ब्रश, जो हमारा टूथ ब्रश है वो सबसे सॉफ्टेस्ट होना चाहिए, सॉफ्टेस्ट, सबसे नरम। किसका स्टाइल कैसा होना चाहिए? ऊपर वाले मसूड़ों को अप टू द डाउन बट ऊपर से नीचे लेकर आना है, नीचे वालों को नीचे से आप। कभी भी होरिजेंटल ब्रश जोर जोर से नहीं करना, होरिजेंटल जोर जोर से अपने दांतों को नहीं घसना। सुबह शाम आपने ब्रश करना है स्लो तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर वालों को अप टू द डाउन बट और नीचे वालों को डाउन टू द अप। ये तरीका दो बार आपने ब्रश करना है। पेस्ट कौन सा करना है? पेस्ट ये वाला पोटासियम नाइट्रेट एंड सोडियम फ्लोराइड प्लस ट्राइकोलसन जेल्स, सेंसिटिव पेस्ट। इस पेस्ट को पहले दो मिनट अपने जिस दांत में या धार में दर्द है उसमें दो मिनट उसको दुआ कर रखो, उसके बाद ब्रश करें। सेंसिटिव टूथ, जिन्हें ठंडा मीठा या कुछ प्रॉब्लम है, ये सेंसिटिव टूथ पेस्ट यूज करना है। उसके बाद आपने क्लोरहेक्सिडिन के साथ माउथ रिंसिंग करनी है। मैं एक बड़ा यूजफुल एक आयुर्वेदिक, मेरे पास एक नुस्खा है, उसमें क्या है, 10 ग्राम फटकड़ी, 10 ग्राम सेंधा नमक, 1 ग्राम लौंग और 10 ग्राम हल्दी, इसको अच्छी तरीके से पीस लें। खाना खाने के बाद इसके साथ इसको कोसे पानी में मिलाकर क्रूला करें, इसके साथ क्रूले करने, बहुत ही उपयोगी है। बस आपने पेशेंस रखनी है लगातार करते हैं, इससे आपको डेफिनेटली निश्चित तौर पर आप अपने एक रूटीन में दांत आपके बहुत ही उपयोगी हैं। कल्पना कीजिए जब आपके दांत ना हो तो क्या होगा, क्या होगा दांतों के बगैर? क्या आप अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं? जब हम भोजन को अच्छी तरह चुआ नहीं पाएंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सलाइवा इसके साथ मिक्स नहीं हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली डिस्टर्ब। हमें अपने दांतों को सेव करना है। मैंने हजारों लोग इस तरह ही ठीक किए हैं। दांतों के लिए हमें क्या नहीं खाना, हमारे गम्स, हमारे मसूड़े बेसिकली अल्कलाइन इन नेचर हैं, हमें इसके लिए एसिडिक भोजन नहीं करना, एसिडिक मीठा ज़्यादा ना खाएं, मिठाइयाँ ना खाएं, शुगर बीवरेजेस, कोल्ड अप, थम्स अप, लिमका, माचा, जितने भी जे स्टॉर्च, जितने भी जे
कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद कर दें, मिठाइयाँ बंद कर दें। आजकल बच्चों का, छोटे बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, मिठाइयाँ बंद करें। यदि मिठाइयाँ खानी है तो 2 बार ब्रश जरूर करें। दांत हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसके लिए पूरी सावधानी बरतें। यदि आपको दांत में दर्द है तो इसका मेशम यही है कि आपका ऊपर वाला एनामल जो है वो घस गया है, जहाँ पर इन्फेक्शन होती है। सबसे पहले इन्फेक्शन को ठीक करें, कोई भी एंटीबायोटिक्स लें, तब जो मैंने आपको तरीका बताया है उसको लगातार आजमाएं। इससे डेफिनेटली 101% आपको फायदा होगा, एक दिन में फायदा नहीं होगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी। आरसीटी से आपके दांत फ्रेजाइल्स कमजोर हो जाते हैं और जल्दी टूटने के चांसेस रहते हैं, और कैप भी कई बार ज्यादा लगाने के बाद भी ज्यादा फायदा नहीं देती। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।